इजाजत दे दीजिए कि मैं दो जुमले अपनी किसी पुरानी तकरीर के इक्तिबास कर दूं। अपने ही जुमले दोहरा रहा हूं, लेकिन चूंकि मुफीद हैं, जरूरी हैं, इसलिए दोहरा रहा हूं। इससे पहले लंदन में भी अर्ज कर चुका हूं और हिंदुस्तान में भी। देखिए, ये साइंस की तरक्की का दौर है, साइंस के उरूज का दौर है, मगर आज उरूज के दौर में भी साइंस आपको क्या समझती है? बहुत इश्क है आपको साइंस का, पैशन है आपको साइंस का, फिदा है साइंस पर। साइंस आपको समझती क्या है? ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, परवरदिगार इनको और आप तमाम हजरात को पवील हयात अता फरमाए और आपके नाम उतना ही मुस्तकबिल को रोशन से रोशन तर फरमाए। इनसे पूछिए साइंस क्या समझती है आपको? सिर्फ हैवान, हैवान, बस हैवान, और हैवान ही की तरह ट्रीट करती है। कोई बीमार पड़ जाता है तो जो दवाएं आपको दी जाती हैं, मालूम है कौन सी दवाएं? ये सब की सब दवाएं पहले जानवरों पर आजमाई जाती हैं, चूहों पर, केलाब पर, कुत्तों पर, खनाजीर पर, बंदरों पर, ये दवाएं आजमाई जाती हैं। जब वहां वो दवा कामयाब हो जाती है तो उससे आपको ट्रीट किया जाता है, आपका ट्रीटमेंट उन दवाओं से होता है। हकीकतन साइंस आपको हैवान समझती है। ये वही इलाही है, ये किताब नबूवत है जो आपको इंसान होने का एजाज अता करती है। ये कुरान है जो कहता है कि वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पर ताज करामत को सजाया है। तो फिर आप ये बस चार रोजा जिंदगी की फिक्र ना करें, ये जमीन हैवानों के चरने के लिए है, इंसानों के बसने के लिए नहीं आए।